नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर का बयान, आपस में उलझा है चौटाला परिवार। एक दूसरे पर चला रहा आरोप प्रत्यारोप का दौरा। संत शिरोमणि रविदास जयंती कार्यक्रम में भूना में पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष। कहा, भाजपा के सत्ता में आने के बाद से बड़े हमले, चाहे सीज फायर हो या फिर आतंकी हमले। आतंकवाद के आज के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ है। जनता आज कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रही है। और इसी के साथ देखिए पल पल की है खास रिपोर्ट। लोकसभा की आपकी कांग्रेस की तरफ से कैसी तैयारी चल रही है? आज तो सबसे पहले मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का 642वां आज जन्म जयंती वर्ष है, उनका जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया गया और आज हरियाणा भूना में भी हमारे साथियों ने, सब लोगों ने मिलकर के संत के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हम सब जानते हैं उन्होंने हमेशा कर्म की और शर्म की प्रधानता के बारे में कहा। हमें कहा कि कोई काम छोटा नहीं है, काम को हम जज्बे के साथ करें, जुनून के साथ करें और हृदय की पवित्रता रखें। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि ना कर्म में, ना शर्म में और ना हृदय में पवित्रता बची है और इसलिए आज वातावरण चारों तरफ हम दूषित वातावरण देखते हैं। संतों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम वो राज लेकर के आएंगे जहाँ कोई भूखा ना सो सके, जहाँ सब बराबर हो। यही संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने और तमाम दूसरे संतों ने हमें रास्ता दिखाया, उस पर चलने का काम किया। जाति पाति जो व्यवस्था है वो खत्म हो। जहाँ तक सवाल है आगे चुनाव का, तो लोकसभा विधानसभा चुनाव ये लगभग तय है कि एक साथ होंगे और कांग्रेस पार्टी पूरा तैयार है, जनता भी तैयार है बदलाव के लिए। और आने वाले समय में 10-15 दिन के बाद आचार संहिता लागू होगी, पूरा मैदान में हमारे बूथ स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम जारी है और जनता का रुझान कांग्रेस के साथ है। अगली सरकार राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में वो कांग्रेस के किसान गरीब मजदूर की सरकार होगी, जिसमें हम हर वर्ग को महफूज रखेंगे, कर्मचारी नौजवान को उसके अधिकार देंगे, माता बहनों को सुरक्षा देंगे। अब तो प्रतिक्रिया उनकी आपस में ज़्यादा चल रही है, हमारी तो प्रतिक्रिया क्या होगी। वो कहते हैं वो टिकट बेचता है, वो कहते हैं ऐसा करता है, वो कहते हैं चाचा कहता कि वहाँ संसद में भतीजे मिले हुए हैं मोदी से, वो कहते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। तो हम नहीं कहते कुछ भी, अब तो ये खुद कहते हैं और करना लोगों ने, और लोगों ने मन बना लिया है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो भ्रष्टाचार जिन्होंने फैलाने का काम किया, जिन्होंने पूरे देश को लूट लिया, गरीब किसान मजदूर आज त्राहिमान है, कर्मचारियों को उनके अधिकार नहीं दिए, तो हर मोर्चे पर हर मुद्दे को लेकर के ये सरकार विफल साबित हुई है। तो जब समय आता है 5 साल के बाद जनता हिसाब करती है और हिसाब करने का अब मैं समझता हूँ कि सही समय है। वोट की चोट से हम जवाब दें और ऐसी सरकारों को और जिस जो पार्टियाँ जिन्होंने उनके सहयोगी के तौर पर पिछले 4.5-5 वर्ष काम किया, उनकी ए बी और सी टीम के रूप में, उनको भी सबक सिखाने का काम। जो हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी हमला है उसको आप कैसे देख रहे हो? ये तो वही जहरीली राजनीति है। कहीं धर्म के नाम पर संत शिरोमणि ने कहा कि चाहे वो गीता हो, कुरान हो, राम हो, रहीम हो, ये सारे जितने भी मजहब हैं ये एक ही सिखाते हैं बात को कि परमेश्वर एक है, परमपिता एक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग धर्म का, जातियों का सहारा लेकर के किस तरीके से समाज में विघटन करने का काम कर रहे हैं।